आपको जब मेकअप करना ना आता हो तब भी आप बहुत बढ़िया मेकअप करें, ये होते हैं असली गट्स। सो मेरा इसमें बहुत बड़ा पोपट हो गया था, अ बिग यस फॉर दिस। इससे मेरा सारा मेकअप सेट हो जाएगा। अब इसकी कोई ब्रांड भी नहीं है, बेनाम है ये। हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। सो आज हम लोग करने वाले हैं सरोजनी नगर का मेकअप रिव्यू। मैं सरोजनी गई थी तो मैं बहुत सारा मेकअप उठा के लाई थी। वहाँ की जो क्लिप्स थी सरोजनी की, जो मैं मेकअप का लेने गई थी सामान, वो क्लिप्स में से डिलीट हो गई थी। सो मैं इसलिए वो नहीं डाल पाऊँगी। बट ये सारा मेकअप का सामान मैं सरोजनी से लाई थी, जितना हो सकता है मैं उतना उतना लिया जितना मेरे को मिला। एंड एक चीज़ मैंने ट्राई करी है कि मैं कोई भी इंडियन ब्रांड से नहीं लाई हूँ, मैं सारे कोरियन ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स लाई हूँ। सो मैं थोड़ी डरी हुई भी हूँ कि कहीं वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मेरे स्किन पे रिएक्ट ना कर जाए, क्योंकि सरोजनी में किसी भी ब्रांड के मेकअप के प्रोडक्ट्स ओरिजिनल नहीं मिलते हैं, वो दो नंबर के माल होता है। तो इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को। और हाँ, एक और चीज़, ये वीडियो मैं सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम पूरा मेकअप कर लिया था अपने ऊपर, सब कुछ कर लिया था, और लास्ट में मेरी वो क्लिप डिलीट हो गई थी। सो ये सेकेंड टाइम शूट है मेरा, उसमें मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। तो जो मेरा एक्साइटेड वाला पार्ट था वो मेरा सारा शुरू करके उड़ गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम शूट कर लिया था तो अब मेरे को पता है क्या चीज़ कैसे लगने वाली है। सो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये प्राइमर, जो कि मेरा खुद का प्राइमर है। मेरे को वहाँ पे प्राइमर नहीं मिला तो इसलिए मैं अपना खुद का प्राइमर लगा रही हूँ, और प्राइमर के बिना कोई भी मेकअप नहीं होता है। प्राइमर से ना स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत अच्छे से जो चीज़ आप इसके बाद लगाने वाले हो वो अच्छे से पूरी ब्लेंड हो जाती है। तो प्राइमर आपको हमेशा लगाना चाहिए मेकअप पे, और फिर आपके स्किन पे डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं अप्लाई होती तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है प्राइमर के साथ। सो हमेशा ये मेक श्योर करना कि आप प्राइमर लगाएं अपने मेकअप से पहले। तो अब हम लोग लगाएंगे सबसे पहले, क्या लगाते हैं, फाउंडेशन। भाई मैं कोई ना इतनी प्रो लेवल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे को पता है किसके बाद क्या चीज़ लगती है। जैसे जैसे मेरे को लगाना आएगा, मेरे को ये भी नहीं पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाई जाती है, मैं कहीं भी लगाऊंगी। एंड ये फाउंडेशन की ये बॉटल है जो मेरे को मिली थी वहाँ से, एंड इस पर कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, पूरी ब्लैक में कोई रिसीव, मतलब मैं लाई थी पूरी ब्लैक। एंड ये मेरे को मिला था 150 का, मतलब यहाँ वहाँ पे ना बहुत सारे, आपको जब आप चलते रहोगे तो बहुत सारे साइड में भैया लोग अंकल लोग मिलेंगे जिन्होंने स्टॉल सी लगा रखी होगी। यार देखो ये ना ऐसा निकला है, दिख रहा है, ये देखो ये ऐसा, इसके साइड में सब चीज़ें आई थी। और ये लेट्स ट्राई, ईयू, बहुत गंदी स्मेल है इसकी तो। भाई मेरे को नहीं पता इसको कहाँ कहाँ लगाते हैं, मैंने पूरे मुंह पे थोप दिया है। ओके देख ले, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और पता है गाइस, जब मैंने ये मतलब अपने पिछले वाली वीडियो में शूट करके जब मैंने लगाया था, ये इतना सर दर्द हुआ था ना मेरे, इतना तेज़ हेडेक, ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट मैंने अपने फाउंडेशन के पहले प्राइमर लगाया था, पर तब भी आप देखो बहुत वाइट वाइट सी स्किन हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है स्कार्स इसने बहुत ज़्यादा छोड़े हैं, मैं वाइट भूत बन चुकी हूँ। यार मेरे को नहीं पता गाइस मैं कैसी लग रही हूँ इस वीडियो में, बट रियल में ऐसे लग रहा है कि मैंने क्या अपने मुंह पे वाइट वाइट पाउडर सब पोत लिया है बिल्कुल। इस फाउंडेशन के लिए अब इग्नो, बहुत 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 बेकार है। अब इसकी कोई ब्रांड भी नहीं है, बेनाम है ये। अब हम लगाते हैं कंसीलर, फाउंडेशन के बाद हम लोग कंसीलर यूज़ करते हैं। ये है मेरा कंसीलर, एंड ये मैं लाई थी 100 रुपीज़ में, इसमें मैंने बार्गेन किया था। ये मैं दूसरी शॉप से लाई थी, फाउंडेशन मैं अकेला सिर्फ एक शॉप से एक ही लाई थी। एंड ये स्टिक वाला कंसीलर है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो बॉटल वो नहीं होता पिचक पिचक वाला, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सो लेट्स ट्राई इट। भाई मैंने सब जगह लगा लिया, मेरी मूछें बन चुकी है, हर चीज़ बन चुकी है, टीका भी लग चुका है। आपको जब मेकअप करना ना आता हो तब भी आप बहुत बढ़िया मेकअप करें, ये होते हैं असली गट्स। एंड मैं ना मोस्टली अभी जो रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, एंड इसकी जो बॉटल है सेम वैसी स्विस ब्यूटी जैसी है यार।
एंड ये कंसीलर अच्छा है, ये इजीली अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, इसमें से ऐसे कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। डार्क सर्कल भी इसने इजीली रिमूव कर दिए हैं, अब वो थोड़े बहुत, तो यार इट इज़ लुकिंग गुड। ये मेरे को अच्छा लगा है ये प्रोडक्ट। ऑल्सो इसकी भी कोई ब्रांड नहीं है, मतलब होगी मेरे को नहीं पता है। एंड ये सेम आप देखना, मैं साइड में स्विस ब्यूटी के कंसीलर की फोटो लगाऊंगी, आप देखना बिल्कुल सेम उसकी तरह मैच कर रहा है। बट ये वो वाला कंसीलर नहीं है, क्योंकि वो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, वो इससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। बट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैंने यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, इसलिए इसकी बॉटल थोड़ी खाली भी हो चुकी है। सो अब एक येस फॉर दिस। सो अब हम लोग करेंगे सबसे पहले अपनी आईज, फिर हम करेंगे मैं लिप्स, फिर हम कुछ और देखेंगे। सो मैं लाई थी आई शेडो पैलेट, ये वो आई शेडो पैलेट देखो। ऑल दो ये बहुत गंदा हो रहा है, ऐसे ही मिलता है यार, डुप्लीकेट माल होता है, तो आपको कुछ अच्छी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एंड ये मैं लाई थी 150 का, ये मैं उन्हीं पे ऐसे लाई थी जिससे मैं कंसीलर लाई थी, वो भी मेरे को ऐसे रास्ते पे चलते हुए मिल गए थे। वेट, कंसील पैलेट पॉज करते हैं अभी हम, और हम जाते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पे, ब्रशेस पे। ये ब्रशेस का सेट मैं लाई थी, ये सेट मैं लाई थी 100 का। ये है वो 5 ब्रशेस जो मैं लाई थी, ये सबसे बड़ी ब्रश, छोटी 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 छोटी, हर ब्रशेस अलग अलग चीज़ के लिए काम आती है, पर मैं एक ब्रश ही सब चीज़ों में ले लेती हूँ। अभी आप देख लेना वो चीज़ आगे। इनमें से ये वाली ब्रश थोड़ी सही है, बाकी ये सारे ब्रशेस बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। सबसे ज़्यादा ये मोटी वाली जो ब्रश है ना, ये बहुत हार्ड है, स्किन पे से लगता है कि मैं क्या झाड़ू सी अपने मुंह पे लगा रही हूँ, ऐसा लगता है। बहुत गंदी क्वालिटी है इन ब्रशेस की, अगर आप एक चीज़ को ब्लेंड करने की कोशिश करोगे वो ब्लेंड भी नहीं होगी, ऊपर ऊपर से हटा देगी जो पाउडर फिनिश होती है और वो वही की वही रह जाएगी चीज़, तो बहुत गंदी ड्यूई फिनिश बिल्कुल भी नहीं देती है ब्रशेस। सो अ बिग नो फॉर दिस ब्रशेस। अब हम लोग इसी ब्रश से लगाएंगे अपना आई शेडो। कितनी बुरी हूँ मैं, इस ब्रश की बुराई करके इसी को यूज़ कर रही हूँ। रुको, पहले मैं आपको अपने हैंड पे सारी दिखा देती हूँ कैसे कैसे शेड्स है। भाई देखो गाइस, पाउडर दिख रहा है। काश मैं इसे पहले लगाती, कंसीलर बाद में लगाती, क्योंकि मुझे कंसीलर वापस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा गिर जाएगा जब मैं इसको ऊपर लगाऊंगी, सारा गिर जाएगा, मुझे कंसील करना पड़ेगा। गाइज ये इसके शेड्स मैंने आपको ट्राई करके दिखाए हैं, इसमें एक ब्राउन है, थोड़ा न्यूड है इसमें से, और थोड़ा सा लाइट कलर मैंने दिखाया आपको ऐसा है। ये है मेरा आई शेडो का कलर, मैंने कॉफ़ी कलर लिया था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आंखें प्यारी है। प्रोडक्ट वैसे अच्छा है, मतलब लगने के बाद अच्छा लग रहा है, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर है। ये 150 की है जिसके बहुत अच्छी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शेड्स मिल जा रहे हैं आपको इसमें, जो कि बहुत अच्छा है। SFR कलर इसकी ब्रांड है, अगर आपको ये मिले आप ये ब्रांड ले लेना सरोज। अब हम लोग आते हैं इस इन स्पॉन्जेस पे, ये 6 की पैकिंग में आए थे और वो पैकिंग मैंने फेंक दी, मतलब गुम हो गई मेरे से। सो ये ऐसे है और आप इनकी हालत से ये देख सकते हो, मैंने कितना ज़्यादा इनको यूज़ कर लिया है, मैं इनको डेली यूज़ में कर रही हूँ अभी। मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ इतना, मैं यही वाले स्पॉन्जेस यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, कि मेरे को वाले ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इनका जो स्पॉन्ज है बहुत अच्छा है। एंड ये पैकेट में लाई थी 50 रुपीज़ का, सब भैया 50 रुपीज़ का ही देते हैं, तो उसमें आप कुछ बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते हो। 50 रुपीज़ में आपको 6 स्पॉन्जेस मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, सो गो फॉर इट। अब हम लगाएंगे अपने लाइनर, ये लाइनर लाई थी मैं सरोजनी से एंड ये मेरे को अच्छा लगता है, यही मैं अभी डेली यूज़ में यूज़ कर रही हूँ। इसकी स्ट्रोक बहुत अच्छी आती है, ऑल्दो ये बहुत देर तक रहता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये। ये देखो ये इसका 1 गो स्ट्रोक है, मतलब इतना भी कोई अच्छा नहीं है, बट एज़ पर सरोजनी वाली चीज़ों से अच्छा है ये। एंड इसकी ब्रांड है 36H, ये ब्रांड कोई कोरियन ब्रांड ही है। भाई पता है मैंने, मतलब इस सरोजने की वीडियो करने से पहले 3 वीडियो देखी थी मैंने, कि मेकअप करते कैसे है, तब भी मुझे समझ में नहीं आया मेकअप करते कैसे है, पर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट और मैं सीख के दिखाऊंगी जब मैं वापस ये वीडियो बनाऊंगी, मैं बहुत अच्छा मेकअप करने वाली हूँ। सो गाइज मेरा लाइनर भी लग चुका है, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला ऐसा लगा है। 50 रुपीज़ में लाई थी मैं लाइनर, जो कि बहुत सही है एंड मैं इसको मतलब डेली यूज़ करी जब से मैं लाई थी तब से, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ एक बार भी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वांटिटी है इसकी 50 रुपीज़ में। अब हम लोग लगाएंगे
मस्कारा। मैं बहुत ही चाहत से लाई थी ये मस्कारा, बट मैं फुल्ली डिसअपॉइंटेड हूँ इससे। इसकी ब्रांड है आई लव एक्सट्रीम। ये थोड़ा इंकी पिंकी पोंकी टाइप्स है। आई लव एक्सट्रीम बट आई हेट दिस मस्कारा। इसकी स्मेल इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है। और पता है ये मैं लाई थी 50 रुपीज़ का ही लाई थी, बट इसमें जो वो होता है ना अंदर इसका लिक्विड, वो है ही नहीं। एंड अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। देख रही हो मैंने मस्कारा लगाया, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक छूट गया एकदम से। बहुत गंदा है इसकी वो है फिनिशिंग। भाई प्लीज़ ऐसा कोई हंसना मत मेरे मेकअप उस पर। गाइस अब देखो मेरी आंखें, मतलब मेरा मस्कारा। बहुत ही गंदा मस्कारा है ये, इसको मत लेना। इसमें क्वांटिटी भी नहीं है, ऑल्दो ये लगा अच्छा है, मतलब वो वॉल्यूम अच्छी है, बट ये अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे आईलिड्स पर छोड़ गया था जो मुझे हटाने पड़े थे। अब क्या बचा है? ओह वाह, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो कि है ये ब्लश। अभी ये ब्लश बचा हुआ है, यही मेरे को सबसे अच्छा लगता है इस पूरे मेकअप वाले इसमें से। एंड इसकी कंपनी है रोज़ा एंजल ब्लश प्ले ट्रायो ब्लश पैलेट। इसमें मेरे साथ बहुत बड़ा लोचा हो गया था। मैं एक भैया के पास गई थी, वो भैया मुझे बोल रहे थे 280 का है ये, 280 का। तो मैंने कहा मैं तो नहीं ले रही, मैं 200 में लूँगी। और मैं लाई थी इसको फिर बार्गेन करके 180 में। मात्र उनसे 10 कदम आगे चल के हमें दिखे थे एक अंकल, वो ओल्ड एज अंकल थे, वो ये पैलेट दे रहे थे 150 का। अब हम इसको लगाते हैं, बट इसको ऐसे एक्सपेंसिव लाके मेरे को कुछ रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बेस्ट चीज़ है इस पूरे उसमें से। मैं लगाऊंगी ये वाला रेड टाइप वाला। गाइज ये ब्लश मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है यार। देखो इसने मेल्ट कर ब्लेंड कर दिया है अच्छे से। ये वीडियो के लिए कर रही है पक्का ब्लेंड, ये नहीं करती है ब्लेंड, मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ। ये ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैंने गुलाल लगाया हो अपने फेस पे। ऑल्दो ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। इसकी मेरे कोई जो पैकिंग है ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अब हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ बची है जो कि हमारे लिप्स से रिलेटेड है। सो सबसे पहले हम लगाएंगे उसमें की लिप लाइनर। ये है वो लिप लाइनर, ये पेंसिल लिप लाइनर है। एंड इसकी ब्रांड है पिंक की मैट कलर लिपस्टिक। दिख रही है शेड, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है लिप लाइनर, मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये ब्राउन शेड मेरे को बहुत पसंद आता है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत अच्छा है। एंड ये मैं लाई थी 50 रुपीज़ में ही। अब एक यस फॉर दिस। अब हम लोग लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक भी मैं न्यूड शेड में ही लाई हूँ। एंड इसकी ब्रांड है कलर कोड मैट लिपस्टिक। ये है इसकी ब्रांड नेम। सो ये लिपस्टिक की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, एंड ये लगी भी बहुत अच्छे से है। बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये, एंड इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। एंड ये मैट लिपस्टिक है, सो आई लव दिस लिपस्टिक। ये मैं अभी डेली यूज़ में ये भी यूज़ कर रही हूँ। सो अ बिग यस फॉर दिस, इसको ले लो, बहुत अच्छी है। तो अब आता है इन सारे प्रोडक्ट्स में से सबसे क्यूट प्रोडक्ट, जो कि है लिप ग्लॉस। ये क्यूट से टैडी वाला लिप ग्लॉस है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। एंड ये एक कीरिंग टाइप में भी है, आप इसको अपने बैग वगैरह में लगा सकते हो। एंड ये भी मैं 50 रुपीज़ में लाई थी, एंड इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो इसकी जो वॉन्ड होती है थोड़ी छोटी है, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिश देती है, बहुत शाइनी सा एक लुक आ जाता है हमारे लिप्स पे। एंड 50 रुपीज़ में बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये। मैंने बहुत अच्छा मेकअप करा है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं। नहीं एक बचा है, ये है वुडन कॉम्ब। सो अब हम लोग बात करेंगे इस वुडन कॉम्ब के ऊपर। वुडन कॉम्ब आपको अपने हेयर में यूज़ करनी चाहिए, इससे आपकी हेयर ग्रोथ, आपका ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिसके ब्रिसल्स है ये बहुत अच्छे हैं। एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा हार्श है, मतलब आप लोग अपने बाल कॉम्ब करोगे तो करके आवाज़ आती है, थोड़ी हार्श है ये कॉम्ब। बाकी बहुत अच्छी है, कुछ चाइनीज़ वगैरह में लिखा हुआ है, जापानीज़ पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये। सो ये मेरे को पढ़नी नहीं आती है, सो इसलिए ये मेरे को नहीं पता। बाकी ये बहुत अच्छी कॉम्ब है, एंड इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, आप इसको ले सकती हो। ये मैं लाई थी 50 रुपीज़ में, एंड ये मैं बिल्कुल ही अलग स्टॉल से लाई थी, बाहर की साइड आके मेरे को एक भैया दिखे थे। सो गाइस अब मैं जितना भी सामान सरोजनी से लाई थी वो सब मैंने लगा लिया है, मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने फेस पे मिस्ट लगाऊंगी।
इससे मेरा सारा मेकअप सेट हो जाएगा। तो यस, मेरा सारा मेकअप हो चुका है, मेरा मेकअप सेट भी हो चुका है एंड आई एम लविंग माई मेकअप। सो अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। मेरा जो सरोजनी के मेकअप को लेकर रिव्यू है वो 50-50 है। रिएक्शन में कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस मेरे को फाउंडेशन से थोड़ी इचिंग हो रही थी, बाकी सब सही है, ऐसा कुछ। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच हॉल्स और ब्लॉग्स। Thanks for watching. Bye-bye.